लंबे समय से ही मानव की मौजूदगी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है कि हिम मानव हिमालय में बनी गुफाओं में आज भी रहते हैं। इनको ज्यादातर भारत, नेपाल और तिब्बत के बर्फीले क्षेत्रों में देखे जाने की घटना सामने आती रही है और इनको येति के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि येति एक बड़े वानर जैसा होता है। इसका रंग श्वेत होता है और इसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं और मानव की तरह ही दो पैरों पर चलता है। कई बार लोग इसे पोलर बियर की प्रजाति का ही मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव की एक कॉलोनी इस बर्फीले पहाड़ों में रहा करती थी, जिन्हें यति कहा जाता था। इनको देखे जाने के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। लद्दाख के बौद्ध मठों के साथ साथ नेपाल, भूटान और तिब्बत में भी लोगों ने ऐसे दावे किए हैं कि उन्होंने एक विशाल वानर यति की आकृति देखी है। भारतीय सेना ने हिमालय में हिम मानव यति की मौजूदगी का दावा किया है। तो पहली बार है जब भारतीय सेना ने सबूतों के साथ यति की मौजूदगी का दावा किया है। फिलहाल भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें बर्फ के बीच बड़े बड़े पांव के निशान देखे जा सकते हैं। इन निशानों को हिम मानव यति का माना जा रहा है। 1832 ईस्वी में भी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक पर्वतारोही B.H. होसन ने यति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि जब वह हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे, तब उसके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने बाल थे। पर्वतारोही B.H. होसन खुद उस प्राणी को नहीं देख पाए थे, लेकिन उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए उस जीव को यति का नाम दिया था। इस तरह के कई सबूत सामने आए हैं। यति के किस्से 326 ईसा पूर्व में भी मिल जाते हैं, जब सिकंदर भारत को जीतने आ पहुंचा था। उसने एक यति को देखने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उसने यति की कहानियां सुन रखी थी, लेकिन उसे यति देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि ब्रिटिश पर्वतारोही रेनहॉल मेसनर को भी हिम मानव को देखने का सबसे बड़ा दावेदार कहा जाता है। मेसनर का कहना है कि उन्होंने पहली बार 1980 के दशक में हिमालय की गोद में हिम मानव को देखा था, जिसके बाद इसकी तलाश शुरू हो गई। यति के अस्तित्व का प्रमाणिक दावा 1951 में फोटोग्राफर खोजी एरिक शिप्टन ने भी किया था। वो माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए दूसरे रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे। उन्होंने इन निशानों की तस्वीर ले ली। एरिक ने यह तस्वीर पश्चिमी एवरेस्ट के मेनलॉन्ग ग्लेशियर पर खींची थी। पैरों के ये निशान करीब 13 इंच लंबे थे और इसे अब तक हिमालय पर ली गई तस्वीरों में सबसे रोचक तस्वीरों में गिना जाता है। इसके बाद यह उस दौर का इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि नेपाल की सरकार ने यति की खोज के लिए 1950 के दशक में लाइसेंस जारी किए, लेकिन एक भी यति खोजा नहीं जा सका। 2011 में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें यति की उंगली मिली है, लेकिन DNA टेस्ट में पता चला कि यह किसी इंसान का है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हिमालय में यति पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी है। भले ही कोई सबूत न हो, लेकिन यति लोक कथाओं और कार्टून में काफी लोकप्रिय है। लेकिन हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि यति के नाम से जाने जाने वाला विवादित जीव दरअसल एक भालू है। यह एशियन ब्लैक, तिब्बती ब्राउन और हिमालयन ब्राउन में से एक है। अमेरिका के कई रिसर्चरों का कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि यति जैसा जीव छिपकर रहते हैं, तो उसके आसपास के इंसानों को वो दिखने तो चाहिए। सबसे बड़ी बात कि उन्हें खाने पीने के लिए बाहर तो निकलना ही होगा, ऐसे में वे छिपकर कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात, अगर वे इंसान और बंदर का ही मिलाजुला रूप है, तो प्रचंड सर्दी में भी जीवित रह पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है कि हिम मानव हिमालय में बनी गुफाओं में आज भी रहते हैं। हालांकि अभी तक इसकी मौजूदगी को लेकर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। आप यति के नाम से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में कई चीजें बिकती हुई देख सकते हैं। वहां आपको याक और यति नाम के होटल भी मिलेंगे। बल्कि इतना ही नहीं, यति एयरलाइंस नेपाल की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर